प्रखंड मुख्यालय स्थित एसएस हाई स्कूल प्लस टू के स्टेडियम में रविवार को खतियानी संघर्ष समिति के द्वारा स्थानीय खतियानी महाजुटान का आयोजन किया गया था, जहां पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खतियानी भाषा जन संघर्ष समिति के क्रांतिकारी युवा टाइगर जयराम महतो उपस्थित हुए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड एक चारागाह बनकर रह गया है, जहां सरकार के पीछे पर्दे में बैठे लोग सरकार चला रहे हैं और वे झारखंड का नहीं है, न ही उनका कोई पूर्वज झारखंड का लड़ाई में अपना योगदान दिया है, जिस कारण यह लोग दिकू हैं। उन्होंने कहा कि आज वैसे ही दिकू के कारण हम सभी झारखंड के लोगों का हक एवं अधिकार को छीनकर बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। इसके लिए हम सभी लोगों को संगठित होकर जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा संस्कृति एवं खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति को लागू कराने के लिए जरूरत पड़ने पर बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना होगा। आज के कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य कि झारखंड का आंदोलन का आगाज हुआ है, झारखंड नवनिर्माण का वो आंदोलन कहीं ना कहीं फिलहाल धनबाद और बोकारो की गोद से उसका आगाज हुआ, लेकिन मुझे लगता है अभी भी उसी पूरे राज्य में फैलने में काफ़ी समय लगेगा और पूरे राज्य में इसको कैसे लेकर जाना है, कैसे फैलाना है, उसी एक उद्देश्य साथ होगा। दक्षिणी छोटानागपुर आए थे, हालांकि अगर उत्तरी छोटानागपुर की बात करें तो चतरा हजारीबाग का कुछ सीमा और गिरिडीह कुछ सीमा छोड़कर बाकी उत्तरी छोटानागपुर में याद की तरफ फैल चुका है। दक्षिणी छोटानागपुर में रांची का कुछ कुछ हिस्सा तक हम लोग टच किए थे और फिलहाल बाकी जो हिस्से हैं जिसमें सिमडेगा गुमला लोहरदगा का कोटी उन पर बहुत जल्द उस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि राज्य का निर्माण क्यों था, किसके लिए था, लेकिन आज हो गया है, बस इसी उद्देश्य से यहाँ पर आना। जी, दक्षिणी छोटानागपुर में यहाँ का आए तो यहाँ का माहौल कैसे लगा आपको? लोग थोड़ा सा, चूँकि दक्षिणी छोटानागपुर अभी भी मुझे लगता है चूँकि हम लोग कोयलांचल से आते हैं, वहाँ की तुलना में यहाँ की तुलना में थोड़ा सा तो अंतर है और कहीं ना कहीं आज भी लोग यहाँ थोड़ा सा पिछड़ापन के शिकार हैं, इसलिए थोड़ा सा आंदोलन के बारे में उतना अवगत नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस आंदोलन को यहाँ तक भी हम लोग प्रचार करेंगे और जुड़ेंगे और बहुत बृहद रूप पर असर होगा। झारखंड के लोग हासिल में, झारखंड के लोग आज भी मजबूत है अपन जीवन गुजर बसर करेला। झारखंड राज्य के जो पहला राज्यपाल रहेगा प्रभात आता कि हमर पानी हमर पसीना और बिजली जले तो सेफ हसीना, यानी तमाम डैम जो झारखंड में है, कोणार्क डैम की बात करें, सेनू घाट डैम की बात करें, माचन डैम की बात करें या पंचे का एक गुलाम राज्य है, भारत देश स्वतंत्र है ये बात। अंतिम शब्दों के साथ, क्योंकि सभी मैक्सिमम युवा लोग हैं खेलने वाले, आपने बाहुबली का फिल्म देखा होगा, देखा है बाहुबली? बहुत याद कीजिएगा बाहुबली फिल्म में जब अने हीरो की मुलाकात पहली बार हीरोइन से होती है उस सीन को याद कीजिए, आपको याद आ रहा है? पलकी में भाषा का अपना एक इतिहास होता है। आज अगर किसी से प्रश्न किया जाए कि भाई झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ था, झारखंड राज्य बनने का क्या मकसद था, हम लोग तो ठीक ठाक बिहार में थे लेकिन यह राज्य अलग क्यों किया गया, तो सभी लोग एक ही लाइन में उत्तर देंगे, अलग भाषा अलग बात से लगातार बाहर मन के लोग सब लगातार यहाँ अतिक्रमण करे और आज हम लोग हाथ पे हम के लोग बाहर प्रदेश के साथ साथ विदेश छटे ले जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।